खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां विकास नगर तहसील के दूर दराज गांव मदरसू में लगा बहुउद्देश्यीय विशेष शिविर। विकास नगर पछवादून क्षेत्र के मदरसू में इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि विकास नगर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने शिविर में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, लेकिन व्यापक प्रचार प्रसार न होने के कारण शिविर में मात्र औपचारिकता बनकर रह गया। शिविर में फरियादाओं से ज्यादा अधिकारी नजर आए, जिसके चलते कुल शिकायतें 8 शिकायतों का मौके पर ही अधिकारियों के सामने निस्तारण किया गया और कुछ शिकायतें बिना क्षेत्र के मार्गों की थी, जो जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखित में ज्ञापन के तौर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान को दी गई और कुछ शिकायतें लोगों के आवास की थी, जो समाज कल्याण विभाग को नोट कराई गई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं शिविरों से दूर की जाती हैं, शिविरों के माध्यम से जन समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन जितनी मैं उम्मीद कर रहा था उतने नहीं है। उसके लिए एक निर्देश भी दिया गया कि कैंप की जो लगने की जो सूचना है वो थोड़ा वेल इन एडवांस, ताकि लोगों तक पर्याप्त सूचना मिले। और अच्छी बात यह है कि अधिकांश विभागीय प्रतिनिधि सब मौजूद हैं और फरियादी भी काफ़ी हैं और बहुत लाभकारी होता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को दूर दराज के चक्कर काटने पड़ते हैं, एक तो उसका समाधान हो जाता है जी, और फिर जो उच्च स्तर पे भी जिसका निस्तारण होना होता है वो भी विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उच्च स्तर पे पहुंच जाता है निस्तारण। तीसरी बात जो ज़्यादा बड़ी बात है, जैसा आपने सवाल भी किया और अच्छा सवाल किया, सबसे बड़ी बात होती है कि सरकारी योजनाओं को क्या उसका लाभ कैसे उठाया जाए, वो जनसाधारण तक पहुँच रही है कि नहीं, वो अवेयरनेस का काम ये कैंप्स करते हैं जी। जैसा मैंने अभी RBSK के बारे में बताया, जैसे अभी तमाम सारी दूसरी योजनाओं के बारे में बताया, तो जितना हम उसको जनसाधारण को बहुत प्रॉपरली बताया, अभी वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हमने बताई, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ फिर लोगों को होता है, तो बहुत लाभकारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बहुत ज़्यादा इस बात के लिए तवज्जो रखी, वो मॉनिटर करते हैं इस बात को कि बाकायदा जो कैंप्स हुए उन कैंप्स में किस तरीके से, आपको मालूम है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ CM डैशबोर्ड पर और CM हेल्पलाइन शुरू हुई, तो तब से लोगों का टाइम बाउंड तरीके से शिकायतों का निस्तारण होने लग गया। जब उस पर शिकायत जाती है तो बिजली की गति से उस पर कार्रवाई होती है, तो ये तमाम सारे रिफॉर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और इसे ही गुड गवर्नेंस कहते हैं। इसलिए आज लोगों को उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, पारदर्शिता आई है, आम आदमी को एक्सेस हो गया, टेलीफोन के माध्यम से कह पा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर फ्लैश करा हुआ है और ये जो तमाम सारे काम भी हैं इसी नाते, तो इसलिए मुझे प्रसन्नता है। और मैं आप लोगों का भी, मीडिया के लोगों का भी आभारी हूँ कि इतने दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुँच करके आप लोग सरकार के इन प्रयासों को कवर करते हैं और लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है संपर्क मार्ग जो है बदहाल है,